क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में टीम की कारकर्दगी पर होने वाली तनकीद के बाद अपने मुस्तकबिल के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम ने ईडन गार्डन्स कोलकाता में साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से मुशावरत की। ज़राए का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में बाबर आजम कप्तानी से अलग होने पर सोच रहे हैं, वो कप्तानी के हवाले से वतन वापसी पर फैसला करेंगे। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम पीसीबी और साबिक क्रिकेटर्स के रवैये से मायूस हैं, वो कप्तानी के हवाले से अपने वालिद के मशवरे को अहमियत देंगे। ज़राए का कहना है कि बाबर आजम ने व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी से अलग होने का फैसला किया, जबकि करीबी लोगों ने उन्हें तीनों फॉर्मेट से अलग होने का मशवरा दे दिया। ज़राए के मुताबिक बाबर के करीबी लोगों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में बड़े बड़े कप्तान नाकाम हुए। ज़राए का कहना है कि बाबर आजम भारत में ही कप्तानी के हवाले से फैसला करने का इरादा रखते थे, हम अब वो वतन वापसी पर फैसला करेंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रवां वर्ल्ड कप में कारकर्दगी मायूसकुन रही। टीम को भारत, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात भी न होने के बराबर हैं।